तो दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब्दों का तार्किक क्रम, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले सवाल में सार्थक क्रम होता है। जैसे कि वो 1 2 3 4 5 6, मतलब जितना भी दे दें, मतलब हद से हद 7 8 देता है। इतना परीक्षा हम भी दिए हैं, ये इतना मॉडल पेपर देखे हैं, मॉडल पेपर बनाए भी हैं हम, तो उसमें मतलब 5 से ज़्यादा नहीं देता है, हद से हद 5 से 6 देता है, 6 से अधिक नहीं देगा। तो इसको क्या होता है ना कि सार्थक क्रम में सजाया जाता है कि पहले क्या आता है। एक तो देखिए, इसमें तो छोटे से बड़े होता है या बड़े से छोटे होता है। ठीक है, तो वो ऑप्शन के भी ऊपर डिपेंड करता है। हम ऑप्शन से भी देख कर हम पता लगा सकते हैं कि इसमें बड़े से छोटे दिया है कि छोटे से बड़े, मतलब शुरू से अंत में दिया है कि अंत से शुरू में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको पूरा इसका निदान ही बता देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एकदम छोटा सा, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं, और मॉडल पेपर हर एक परीक्षा का लेकर आते रहते हैं इस पर। ठीक है, तो देखिए, समय गंवाते हुए हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, समय गंवाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सीधे हम अपने सवाल पे आते हैं। देखिए, ये सवाल है क्या कि फर्स्ट में इलाज, दूसरा नंबर डॉक्टर, तीसरा नंबर निदान, चौथा नंबर रोगी, पांचवा नंबर स्वास्थ्य लाभ। ठीक है, तो मतलब पहले क्या होता है इसमें। ठीक है, देखिए, पहले क्या होता है, पहले रोगी आएगा, पहले रोग होगा, तभी तो आप डॉक्टर के पास में आएंगे। तो पहले रोगी होगा, तो पहले क्या हो जाएगा, 4 नंबर। उसके बाद से रोगी आएगा किसके पास, डॉक्टर के पास। 4 के बाद 2 नंबर का काम होगा। और डॉक्टर क्या करता है, उसका इलाज नहीं तुरंत कर देता है, ठीक है ना। उसका पहले निदान करता है कि वो कौन सा बीमारी है, क्या करता है और कितना अधिक है, तो उसको पहले निदान करता है। ठीक, उसके बाद से इलाज करता है, निदान के बाद में वो इलाज करता है। ठीक है ना, तो निदान के बाद में वो इलाज करता है। ठीक है, तो देखिए, पहले निदान हो जाएगा, तब उसके बाद से क्या हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, और ये लास्ट में स्वास्थ्य लाभ होता है। जब इलाज होता है ना, तब स्वास्थ्य का लाभ होता है। ठीक, स्वास्थ्य का लाभ होता है। तो मतलब कि 4 2 3 1 5 ऑप्शन में है क्या ये से, देखिए, 4 2 3 1 5 ये सही है। ठीक है, पहले रोगी आएगा डॉक्टर के पास में, डॉक्टर निदान करेगा, निदान करके इलाज करेगा, तब उसका स्वास्थ्य का लाभ पहुँचेगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, उसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन है कि नवजात शिशु, किशोर, मृत्यु, यौवन, बुढ़ापा, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है। देखिए, सबसे पहले नवजात शिशु जन्म लेता है। ठीक ना, नवजात शिशु जन्म लेता है, और वो शिशु क्या होता है, किशोर होता है। मतलब कि देखिए, किशोर का मतलब क्या होता है कि 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष के बीच में किशोर होता है। तो क्या हो जाएगा, किशोर हो जाएगा। उसके बाद से वह किशोर जब 15 से लेकर के 20 के बीच में आता है ना, मतलब 15 वर्ष से अधिक हो जाता है, तो वह यौवन का रूप धार देता है, मतलब जिसे हम नौजवान कहते हैं। यौवन का रूप धारेगा तो 2 के बाद 4 हो जाएगा। ठीक, और यौवन के बाद से सीधे मृत्यु नहीं हो जाती है। मतलब देखिए, अकस्मात हो जाए वो बात अलग है, लेकिन जो जनरली में चलता है उसे हम कहते हैं। ठीक, उसको इसमें देखते हैं। तो यौवन के बाद से बुढ़ापा, आप तो कह देंगे कि सर, किसी एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं हो जाएगा बिना बुढ़ापे के, ये सब नहीं लिया जाता है, ये परसेंटेज में नहीं लिया जाता है। ठीक ना, जो होता है रेयर केस में उसको छोड़ देते हैं हम। ठीक ना, और जो आम में होता है, जनरली होता है, उसको हम लेते हैं। देखिए, यौवन के बाद से बुढ़ापा आ जाएगा, और बुढ़ापा के बाद से मृत्यु आ जाएगा। ठीक, तो 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3 ये वाला ऑप्शन सही हो गया। देखिए, पहले नवजात शिशु जन्म लिया, उसके बाद से उसका किशोरा आया, उसके बाद से वो यौवन मतलब जवान हुआ, जवान के बाद से बूढ़ा हो गया, बूढ़ा के बाद से तब मरता है। ठीक है, आगे की तरफ में देखते हैं। फिर देखिए, आगे का ये सवाल है आपका तीसरा, कि हाथी, बिल्ली, मच्छर, चीता, ह्वेल। ठीक, इसमें हमको सजाना है सार्थक क्रम में, तो क्या सजाएंगे। देखिए, इसमें देखिए, सबसे पहले छोटा देखेंगे, तो छोटा क्या है, मच्छर। मच्छर से बड़ा क्या होता है इसमें, बिल्ली। बिल्ली से बड़ी अगर देखेंगे तो चीता। ठीक, चीता से बड़ी ह्वेल, नहीं सॉरी दोस्तों, ह्वेल नहीं होता है, क्योंकि ह्वेल को कहा जाता है ना कि वो कम से कम 10 हाथियों का भोजन अपने पेट में समा लेते हैं, यानी कि मतलब कि हाथी से भी बड़ी ह्वेल होती है। देखे तो हम भी नहीं है ना, आप भी देखे होंगे ह्वेल को, लेकिन कहा जाता है कि ह्वेल सबसे बड़ी है। ठीक ना, तो कहा जाता है कि 10 हाथियों का भोजन उसके पेट में आ जाता है, तो मतलब कि हाथी से बड़ी है ह्वेल। तो ह्वेल से पहले हो जाएगा हाथी, तब होगा ह्वेल, मतलब कि पहले मच्छर, बढ़ते क्रम में हो जाएगा मच्छर, उसके बाद से बिल्ली, उसके बाद से चीता, उसके बाद से हाथी, उसके बाद से ह्वेल। मतलब 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5, देखिए सी नंबर ऑप्शन सही है। तो इस
पाठ के अंतर्गत में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो देखिए कि इस पाठ का फिर से नाम देख लीजिए कि क्या है आपका इस पाठ का नाम दोस्तों। देखिए इस पाठ का नाम है शब्दों का तार्किक क्रम, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। इसे परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है।